नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे बहुत ही छोटे से ये साधक आए हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ पाठक और इनकी एज है 25 इयर्स और ये 1.5 साल से एनडीएस को फॉलो करते हैं। इतने छोटे होने के बावजूद भी इनको जो बॉडी है, फिगर मेंटेन करने का, जिम जाने का, इतनी छोटी एज में भी ये सारा करने के बावजूद भी ये न्यू डाइट सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इनसे ही जानेंगे कि ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करके इनको क्या फायदा हुआ है। और इनका हम इंट्रोडंस करेंगे कि ये आपका स्वागत है हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे। आप अपना नाम बताइए, एज बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ पाठक है जी। मेरी एज 25 है और मैं एनडीएस पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा वजन आई गेस 87 kg था और अभी 72 हो गया है, सो समथिंग अराउंड 15-16 kg मैंने इसमें लूज किया हूँ। प्लस कह सकते हैं कि मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जी। और वाइटलिटी जो है मेरी वो भी बहुत बढ़ चुकी है। लाइक जिम में मैं पहले जाता था तो लगता था कि यार क्या करूंगा, उठाऊंगा कि नहीं ये वो, बट फिर जैसे मैंने आपसे जाना कि ये सिस्टम एक बार आप ट्राई करिए और एनिमा भी मैं दिन में कम से कम एक बार तो लेता ही हूँ या फिर कभी कभी 2 बार हो भी जाता है। बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ इसमें मेरे को एनर्जी इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा मिल चुका है। लाइक जब मैं मोटा था, बहुत ही ज्यादा मोटा था, 87 kg में, तब मेरे लिए जिम जाना एक लाइक सबके सामने मेरे लिए बहुत शर्म आती थी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बट आफ्टर फॉलोइंग दिस डाइट मेरे अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ चुकी है। लाइक आई एम नॉट केयरिंग अबाउट के मेरे लिए कौन देखेगा कौन नहीं, क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि ये सिस्टम में जैसे कि हमें सुबह फ्रूट वेजिटेबल खाना है आफ्टर 12 आवर ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसके बाद हम लोग डेट्स, वॉलनट्स, जो भी जिम के लिए ज्यादा जरूरी होता है वो हम लोग खाते हैं। एंड ये सब फॉलो करने के बाद मैं बोल सकता हूँ लाइक विद वेरी अश्योरिटी कि मेरा 16 kg वजन लूज हो चुका है। जी, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि 25 साल के जो बॉयज होते हैं वो आजकल सिर्फ खाने पीने में, मौज मजा करने में ही सभी अपना हैप्पीनेस फील करते हैं, लेकिन ये जो है इतने 25 इयर्स की एज में भी ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब कि नेचर को फॉलो करते हैं। जैसे कि उनको जिम में बताया जाता है कि मिल्क ज्यादा पीने हैं, एग्स ज्यादा खाने हैं, तो एग्स के बदले में हमने इनको स्प्राउट्स खिलाए हैं और मिल्क के बदले में हमने इनको कोकोनट मिल्क खिलाए हैं, फिर इनको स्ट्रेंथ के लिए ड्राई फ्रूट्स ये खाते हैं, नट्स है वो सब खाते हैं। तो ये सारा फॉलो करने के बाद भी इनको ये जो बॉडी इनको जैसी चाहिए वैसी मिल गई है, जितनी ताकत चाहिए इतनी मिल गई है, पहले जो लेजीनेस थी वो भी चली गई है। तो आपको कौन सा जूस पसंद है, कौन सा सलाद पसंद है, वो भी बताइए। पहले तो आपकी जो रेसिपी बुक आपने इंडिया से दी थी उसमें से जो भी स्प्राउट का सैलेड है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। मोस्टली इन अ डे मैं 2-3 बार वो स्प्राउट का सैलेड लेता हूँ। प्लस आप अगर आप जूस की बात करते हैं तो मैं मॉर्निंग में आपने जो एनडीएस में से ग्रीन जूस दिया था स्टमक क्लिनजिंग के लिए वो मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। एटलीस्ट वंस अ डे मैं स्टमक को ग्रीन जूस पीता हूँ एंड आफ्टर ड्रिंकिंग दैट जूस मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को कोई ब्रेकफास्ट की जरूरत है। जैसे हम गुजरात में खाते हैं फाफड़ा, जलेबी, बाड़ी, पराठा, चाय, दूध, ये सब की मेरे को अब जरूरत नहीं पड़ती जब से मैंने ग्रीन जूस अडॉप्ट किया हुआ है। बहुत अच्छी बात बताई। ये सभी जो दर्शक हैं वो तो हमारे दर्शक ऐसे होते हैं कि जो बीमार हो जाते हैं उसके बाद फिर ये सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि आज की जो जनरेशन है, हमारी नई पीढ़ी है, अगर आज से ही ये स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि 5 साल की उम्र से या 4 साल की उम्र से ही ये फॉलो करना चालू कर देंगे, तो 25 की एज में उनको कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। इन्होंने ही बताया कि इनकी इम्यूनिटी पावर है जो वो बहुत ही बढ़ गई है, आलस बिल्कुल नहीं आती है, कोई भी चीज में कंटाला नहीं आता है, तो इतना सारा फायदा होता है। और वैसे भी इतनी छोटी एज में तो इतनी शक्ति स्फूर्ति होती है, लेकिन वो जो होता है वो कुक फूड खाने से होता है, इनको जो है वो रॉ फूड खाने से इतना सारा फायदा हुआ है। तो आप अपना डिनर के बारे में भी बताइए, डिनर में क्या लेते हैं? डिनर में मोस्टली मैं सैलेड ही लेता हूँ जी, कंटिन्यूअसली मैं सैलेड का ही डाइट फॉलो करता हूँ, बट हो जाता है कि कभी कभार 1 या 2 दिन थोड़ा सा सब्जी रोटी खा लिया। बट जब से मैंने एनडीएस फॉलो किया है तब से मैंने डाइट में जंक फूड जीरो कर दिया है जी।
क्योंकि एनडीएस में से मुझे ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया है कि जो मेरी स्किन है वो बहुत ही क्लीन हो गई है जब से मैंने जंक फूड छोड़ दिया है। क्योंकि क्या होता था ना कि कम से कम मैं दिन में एक बार तो बार बार खाता था और उसी के ही कारण मेरी स्किन भी खराब होती थी, पूरे फेस पे मेरे पिंपल हो जाते थे, सोरनेस आ जाती थी सब जगह। बट डेढ़ साल पहले जब मैंने ये सीखा कि एनडीएस है फॉलो करना है, उसके बाद आज तक मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को एक भी पिंपल या एक भी स्किन डिजीज नहीं हुई है। दूसरी बात रही कि डिनर या फिर मॉर्निंग के टाइम पे कुछ भी खाने की, तो जब भी मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो पहले सोचता हूँ कि चलो कुछ खा लेते हैं, हैवी खा लेते हैं। बट फिर मैंने ट्राई किया ग्रीन जूस, देन आफ्टर 12 o'clock को आप सैलेड खाइए, बिफोर 2 या 3 o'clock को नट्स, डाइट में डेट्स आ गए, नट्स, आलमंड्स, जितना भी रॉ फूड है वो सब कंज्यूम करके ही मैं जिम जाता हूँ। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू दैट कि आपको एग्स खाने की जरूरत नहीं इफ यू कैन अडॉप्ट नट्स एंड एवरीथिंग इन वेजिटेरियन। जी, और आप जिम में कितना आवर्स वर्कआउट करते हो? मैं एवरेजली 1.5 hours to 2 hours वर्कआउट करता हूँ। डेली वर्कआउट करते हो? कभी ऐसा फील हुआ कि आपको वीकनेस लग गई या फिर पनीर खाना चाहिए या फिर ये सब पराठा बराठा खाना चाहिए, घी बटर ऐसा सब कुछ? जीरो, मेरे को एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ है कि यार मैं कुछ खा लूँ, यार मेरा पेट भरा हुआ नहीं है तो मैं कैसे जिम करूंगा। क्योंकि इसमें मैंने सिखा है कि आपको विदिन, आप जैसे जिम चालू कर रहे हैं उसके एक घंटे पहले मैंने नट्स खा लिए, डेट्स, काजू बादाम सब खा लिया, पेट मेरा भर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा एग्स वाइज कुछ खाने की जरूरत है, मेरा रॉ फूड में मेरा पूरा डाइट फॉलो हो रहा है। जी, और बहुत सारे साधक ऐसा भी पूछते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, तो सबसे बड़ी बात मैं करूँ कि इन्होंने ग्रीन जूस के बारे में बताया, तो ग्रीन जूस में मैक्सिमम अगर आप पालक का उपयोग करोगे, स्पिनेच का उपयोग करोगे, तो आपका जो इम्यूनिटी है, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथनेस है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पालक में जो है वो बहुत ही ताकत होती है। तो ग्रीन जूस अगर पिए तो आपको जितना भी प्रोटीन चाहिए वो सारा मिल जाएगा। और हमेशा जब भी ये पालक का जूस पिए तभी जूसर में ही जूस निकाल के पीना है, अगर पानी वाला 2 glass पी जाओगे तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ये भी हमारे साधक है, वो हमारा जो सुजाता का जूसर है, मतलब कि प्योर जूस निकलता है, 500 ग्राम का पालक डालते हैं, 250 ग्राम का जूस निकलता है, वैसा प्योर जूस पीते हैं। तो ऐसा अगर जूस पियोगे तो आपको भी प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे हेल्थ सेंटर के ऊपर आए। जी, आप अपने जिम के बारे में भी कुछ बताइए। जी, जिम में ऐसा नहीं है कि मैं एनडीएस फॉलो करता हूँ तो मैं लाइट वेट करता हूँ। जी, मैं बहुत ही हैवी वेट एक्सरसाइजेस भी करता हूँ, जैसे कि डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गए, ये सारे वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट वर्कआउट्स हैं। और ये सारे के सारे जितने भी वर्कआउट्स हैं इसमें समथिंग अराउंड 100 to 110 kg में लिफ्ट ऑफ एंड पुल ऑफ दोनों। ऐसी बॉडी मेंटेन कीजिए, आप अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है,
जितने भी आपके पास आते हैं वो सबको भी ये बताइए कि हम इतना बॉडी मेंटेन करते हैं और फिर भी इतना नेचुरल खाने के बाद आपको इतना सारा फायदा हुआ है, तो आप कितने साल तक ये चालू रखोगे? मैं तो कंटिन्यू रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि इसके सिवा कोई और ऐसी डाइट है जो इससे अच्छी हो। जी, और आप आपकी शादी अभी होने वाली है, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी भी होने वाली है, तो आप अपनी वाइफ को भी डेफिनेटली ये सब बताते ही हो। जी, इनकी वाइफ है, इनका नाम क्या है आपका? स्वप्निल अवस्थी। हाँ जी, स्वप्निल अवस्थी इनकी वाइफ का नाम है, अभी मैरिज होने वाली है, तो उनका भी हम पे फोन आता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि उनको स्पेक्टिकल्स नहीं पसंद है, मतलब कि चश्मे के नंबर नहीं चाहिए, तो मैंने उनको भी ये बताया है कि चश्मे के नंबर कैसे निकालेंगे। तो ये जो है अभी अपने महके हैं, लेकिन महके में रह के भी ये यहाँ पे हमको फॉलो करती है, तो इनको तो शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि भाई पराठा खा लो, चाय खा लो, क्यों नहीं खाते हो, पकाया हुआ खा लो। तो अभी से ये प्रिपेयर हो गए हैं कि वाइफ को भी अभी से समझा दिया है कि ये जो डाइट है इससे हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। जी, आप अपने यंगस्टर को कुछ संदेशा देना चाहोगे? यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आपको जंक फूड या फिर प्रोटीन पाउडर ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियंस डाइट में जो भी नेचुरली आपको ऑब्टेन हो सकता है वो आपको सब कुछ मिल सकता है इन डाइट में। ऐसा है नहीं कि आपको दिन में 200 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको सिर्फ प्रोटीन क्या खाना है। जी, आप लोग नट्स में आप स्विच कर सकते हैं, आप ग्रीन जूस पीजिए न्यूट्रिशन एंड मल्टीविटामिन्स के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई 400 500 600 रुपए की मल्टीविटामिन्स की डब्बी लेनी है। आप ग्रीन जूस पीजिए, उसमें आपको मोस्टली आपको सारे आपके न्यूट्रिशन एंड मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे। रही बात प्रोटीन की, तो आपके पास नट्स है, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स है जो कि प्रोटीन रिच है, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच है एंड एक्सेट्रा। एंड जी, बनाना के बारे में आप बताइए कि जो बनाना होते हैं मोस्टली हम लोग बनाना पोटेशियम उसमें ज्यादा होता है जी, सो मोस्टली वी यूज बनाना कि हम लोग ड्यूरिंग एक्सरसाइज और पोस्ट वर्कआउट ही हम लोग बनाना खाते हैं। जी, तो बनाना एक ऐसा सोर्स है कि अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं इतनी पतली दिख रही हूं तो भी मैं एक दिन में 10 केले खाती हूं। ये जो वर्कआउट जो भी बच्चे कर रहे हैं वो सबको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि मैक्सिमम बनाना खाए, मतलब कि केले जो है उसमें से बहुत सारा एनर्जी मिलता है। तो जो भी जिम जाते हैं, मतलब यंगस्टर है, वो सबको भी बनाना ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ पे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आए, और खूब खूब धन्यवाद कि आप ये सब फॉलो करते हो। थैंक यू।